अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद खोखर और मैं हूं दानिश राजपूत। तो आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मिस्टर अहमद के नाम से। सर बताएं हम आज किस वीडियो पे एक्शन दे रहे हैं। तो आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस चाइना वार, विच कंट्री सपोर्ट इंडिया। तो देखेंगे अगर इंडिया और चाइना की जंग हुई तो चाइना का कौन सपोर्ट करेगा और इंडिया का कौन सपोर्ट करेगा, सपोर्ट कौन करेगा, कौन सपोर्ट करेगा। तो फिर रिएक्शन देते हैं, लेट्स गो। मैं अपनी राय बताऊं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। लंबे समय से दोस्तों अब तो इंडिया और चाइना के बीच भी रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो ही चुके हैं। पहले तो दोस्तों पाकिस्तान को एक ऐसा देश ही माना जाता था जो इंडिया का दुश्मन है, लेकिन अब नया देश शामिल हो ही चुका है, हम कह सकते हैं चाइना। हालांकि दोस्तों बहुत सारे लोग तो पहले से ही चाइना को पसंद नहीं करते, क्योंकि इंडिया की मार्केट में आपको ज्यादातर प्रोडक्ट्स चाइना के ही देखने को मिलेंगे। यही वजह है कि बहुत सारे लोग तो पिछले 5 सालों से ये लगातार बोल रहे थे कि चाइना का सामान इंडिया में बिल्कुल भी नहीं बिकना चाहिए और इंडिया की मार्केट में इंडिया के प्रोडक्ट्स ही उतारे जाएंगे। 2020 में दोस्तों जब इंडिया चाइना की वॉर हुई तो इंडिया के 20 जवान शहीद हुए, जिसके बाद दोस्तों टिकटॉक सहित कई और भी ऐप्स को इंडिया में बैन किया गया। इसके बाद ही दोस्तों इंडिया के लगभग सभी लोग, लगभग पूरा देश ही दोस्तों चाइना के खिलाफ हो चुका है। लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर दुनिया के ऐसे वो कौन से देश हैं जो इंडिया का पूरा साथ देंगे अगर बहुत ही ज़्यादा कभी माहौल ख़राब हो जाए, और आखिर ऐसे वो कौन से देश हैं जो किसी भी हाल में चाइना का कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं, और अभी अपनी कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ याद तैयार रखो। लड़का बहुत ही प्यार से बोलता लगता है, नया नया वैसे तो दोस्तों आज के दिन न्यूक्लियर पावर का ही जमाना है, जिसके चलते किसी भी देश की फाइट ज्यादा लंबे समय तक चली नहीं सकती। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा खराब बात है, क्योंकि इसके चलते कोई भी देश कुछ ही सेकंड्स में दूसरे देश को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए दोस्तों इंडिया और चाइना ने एक बहुत ही अच्छी नीति अपनाई हुई, और इस नीति प्रणाली के चलते ही दोस्तों इंडिया और चाइना दोनों में से कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर पहले परमाणु हमला बिल्कुल भी नहीं करेगा। और अगर फिर भी दोनों देशों में कभी नॉर्मल युद्ध हुआ तो देखते हैं चाइना का यार साथ देने के लिए कौन कौन आगे आता है। सबसे पहले तो दोस्तों चाइना के स्पोर्ट में हर हाल में जिसको आना है आप जानते हैं वो है पाकिस्तान। चाइना का पक्का दोस्त है, लेकिन इंडिया का हमेशा से ही दुश्मन बना रहा है। और इसी के बाद दोस्तों एंटी पाकिस्तानी होने के चलते इंडिया के साथ जो कंट्री आएगी वो है अफगानिस्तान। दोस्तों यानी कि चाइना का साथ तो पाकिस्तान देगा, तो इंडिया का साथ देगा अफगानिस्तान। हालांकि इस बात में तो यार कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है अफगानिस्तान के मुकाबले। युद्ध दोस्तों चाहे दो कंट्रीज के बीच ही क्यों ना हो, लेकिन उसके दोस्त हमेशा ही बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। और अगर युद्ध बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ते हुए हालात और भी ज्यादा गर्म होते तो दोस्तों चाइना का साथ देगा नेपाल, और इंडिया का साथ भूटान देने वाला है। हालांकि दोस्तों एक समय तो ऐसा था जब लग रहा था कि इंडिया और नेपाल के रिश्ते बहुत ही ज्यादा सुधर रहे हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में इंडिया और नेपाल के रिश्ते काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं, जिसके चलते इस बात में कोई शक ही नहीं है कि नेपाल उसी कंट्री का साथ देगा जो इंडिया के खिलाफ होगी। और इंडिया के खिलाफ अगर चाइना हुआ तो नेपाल तो उन्हीं की ओर होने वाला है। लेकिन भूटान हमेशा से दोस्तों ये इंडिया का सच्चा दोस्त रहा है, और इंडिया ने दोस्तों इसकी तरक्की में न सही में बहुत ही ज़्यादा मदद की है, इसलिए कोई शक की बात ही नहीं है कि भूटान इंडिया का साथ देने वाला है। अगर हालातों को देखें तो पिछले 5 से 6 महीने के हालातों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कि चाइना का साथ देने वाली जो अगली कंट्री होगी वो होगी दोस्तों टर्की। लेकिन इंडिया को दोस्तों घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद इंडिया का साथ देने जो आने वाली है ना कंट्री, उसका दम देखकर तो अमेरिका भी टहल जाए, क्योंकि अगली कंट्री दोस्तों जो इंडिया का साथ देने के लिए पहुंच जाएगी वो है इसराइल। तो आपके भी दोस्तों अब हौसले बुलंद हो ही चुके होंगे, क्योंकि इसराइल अगर इंडिया की तरफ आ जाए जो कि आनी ही है दोस्तों, हमारी बेस्ट फ्रेंड है, तब तो दोस्तों हर देश हमारे सामने टिक ही नहीं पाएगा। इसके बाद दोस्तों चाइना को एक और कंट्री इजिप्ट की मदद जरूर मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों इजिप्ट भी कभी इंडिया का साथ दे दे इसके चांस ही में काफ़ी ज़्यादा कम है, और पूरे चांस है कि इंडिया चाइना युद्ध में इजिप्ट चाइना का ही साथ देगा। लेकिन इसका भी दोस्तों इंडिया के पास एक बहुत ही अच्छा खासा और पावरफुल विकल्प मौजूद है जापान के रूप में, और जापान से ज़्यादा अच्छी लॉयल कंट्री दोस्तों इंडिया को और भला कहाँ मिलेगी।
और इंडिया के कई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर काम भी दोस्तों आज के दिन जापान ही कर रहा है। जैसे कि दोस्तों बुलेट ट्रेन पर इंडिया के लिए काम जापान ही कर रहा है, और किसी भी युद्ध में दोस्तों इंडिया के लिए जापान की टेक्नोलॉजी का होना, हाईटेक हथियारों का होना कितना ज़रूरी है ये आप जानते हो। हालांकि दोस्तों हाईटेक हथियार बनाने में इसराइल का कोई मुकाबला नहीं। इसके बाद दोस्तों इस बात में कोई शक ही नहीं है कि चाइना का जो साथ देने वाली अगली कंट्री होगी वो है नॉर्थ कोरिया, यानी तानाशाह का देश। हालांकि दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के संबंध भी किम जोंग उन के साथ बहुत ज्यादा खराब तो नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना और नॉर्थ कोरिया बिल्कुल एक ही हाथ की दो उंगलियों के बराबर है। इसलिए दोस्तों नॉर्थ कोरिया इंडिया के खिलाफ ही खड़ा होगा। लेकिन नॉर्थ कोरिया दोस्तों अगर चाइना की तरफ है तो क्या हुआ, इंडिया का साथ देने आएगा पूरी दुनिया के सामने फ्रांस। और आज के दिन तो दोस्तों बड़े बड़े हथियार भी इंडिया ने फ्रांस से ही मंगवाए हैं। फ्रांस भी दोस्तों हर मौके पर इंडिया का साथ देने के लिए हमेशा से ही तैयार रहता है। फ्रांस दोस्तों यूरोप की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंट्री भी है। इसके अलावा अगर नॉर्थ कोरिया दोस्तों उधर है तो क्या हुआ, एक और कंट्री हमारे स्पोर्ट में तभी आ जाएगी जब नॉर्थ कोरिया इंडिया के खिलाफ होगा, और ये कंट्री है दोस्तों साउथ कोरिया। आप तो जानते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में हमेशा ही झड़प बनी रहती है। साउथ कोरिया का दोस्तों इंडिया का साथ देगा इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि इनकी टेक्नोलॉजी हर युद्ध में बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है, क्योंकि साउथ कोरिया दोस्तों टेक्नोलॉजी में बहुत ही अव्वल दर्जे की कंट्री है। वहीं दोस्तों चाइना की स्पोर्ट में जो अगली कंट्री आ सकती है वो है ईरान। ईरान दोस्तों इंडो चाइना युद्ध में किसका साथ देगा सभी को मालूम है, चाइना का। हालांकि दोस्तों एक वो भी समय था जब इंडिया और ईरान के रिश्ते काफी ज़रा अच्छे हो रहे थे, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिश्ते अच्छे हुए, इंडिया का संबंध ईरान से काफी ज़्यादा टूट गया। इसके अलावा दोस्तों इस युद्ध में अगली जो कंट्री आएगी हमारा साथ देने के लिए वो तो सभी को डरा सकती है, क्योंकि दोस्तों अगली जो कंट्री हमारा साथ देगी वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप तो जानते हैं दोस्तों आज के दिन पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री अगर कोई है तो वो अमेरिका है, और आज के दिन स्पेशली अभी जो पिछले 5 से 7 सालों में इंडिया और अमेरिका के रिश्ते इतने अच्छे हुए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमेरिका इंडिया के खिलाफ ही खड़ी हो जाए। इसके अलावा दोस्तों सीरिया, लेबनान, कुवैत ये सभी देश भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जिसके चलते पाकिस्तान चाइना की तरफ है तो यार ये तीनों देश भी ना चाइना का ही साथ देने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों ईरान के विरुद्ध जो देश हमेशा बने रहते हैं वो है यूएई, सऊदी अरेबिया और जॉर्डन। इसलिए ये तीनों देश दोस्तों चाइना का नहीं बल्कि इंडिया का साथ देंगे, क्योंकि दोस्तों ये उसी देश का साथ देंगे जो ईरान के खिलाफ होगा, और ईरान तो दोस्तों चाइना की तरफ है। ये तो दोस्तों वो देश हैं जो सीधे तौर पर ही युद्ध में एक देश को चूज कर लेंगे, जहाँ तो इंडिया को जहाँ फिर चाइना को। इसके अलावा पूरी दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जो न्यूट्रल रहेंगे, यानी वो चाइना का भी साथ दे सकते हैं और इंडिया का भी, लेकिन ऐसा हो सकता है शुरुआती दिनों में ये किसी का साथ ही ना दे। इनमें से दोस्तों सबसे पावरफुल शक्ति है रशिया। हालांकि दोस्तों रशिया के साथ इंडिया के रिश्ते बहुत ही स्ट्रांग है ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पिछले 4 से 5 सालों में रिश्ते हम और भी ज़्यादा बेस्ट कर सकते थे, जो कि शायद हमने किए नहीं। वैसे तो दोस्तों रूस और चाइना के बीच संबंध बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और दूसरी इंडिया के खिलाफ जो बात जाती है वो है कि रूस और अमेरिका के संबंध बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। इसलिए रूस दोस्तों सीधे सीधे चाइना का ज़रूर साथ देना चाहेगा, लेकिन रूस ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि रूस के संबंध इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए दोस्तों रूस अगर चाइना की मदद करे या फिर इंडिया की मदद करे वो सीधे मदद नहीं करेगा बल्कि इनडायरेक्ट मदद कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका ये तीनों देश भी समय देखते हुए किसी भी देश का साथ दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस हिसाब से हम पूरा एनालिसिस करें तो इंडिया की तरफ दुनिया के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल देश, और अगर कहीं रशिया ने दोस्तों इंडिया का थोड़ा ज़्यादा साथ दे दिया फिर तो चाइना को इंडिया के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों जो मेन दो बहुत ही तगड़े देश हैं इंडिया की तरफ वो है अमेरिका और इसराइल। आपको वैसे क्या लगता है दोनों ही कंट्रीज में किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, इंडिया का या चाइना का? कम नहीं, मुझे एक बात आप लोग बताएं, जंग दो मुल्कों की हो और लड़े पूरी दुनिया, ये क्या बात है? सबसे बड़ी बात तो ये है यार, जंग दो मुल्कों की लेकिन लड़े सारी दुनिया, ये तो नहीं ना भाई ना बात कोई तो ऐसे कोई भी नहीं करता। आप जितना मर्जी आप किसी पे भरोसा कर लें वो नहीं, वो अपने मुल्क की अपने कोई भी हो जाए ना, अब किसी दूसरे की लड़ाई के अंदर नहीं आते, ये बिल्कुल झूठ है। अगर आप लोग सोचे ना इंडिया और चाइना की बात हो तो हाँ
अमेरिका बड़ा साथ देगा, वो इतना पागल नहीं है, वो इतना बेला नहीं है कि वो बिना वजह किसी की जान में आ जाए। अगर आप लोग को सोचे इसराइल है तो वो भी कभी इसराइल भी नहीं आएगा, नहीं आएगा यार, ये सब का सब झूठ है। और रही बात चाइना की, अगर चाइना और इंडिया की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान साथ देगा, ये भी बिल्कुल झूठ है। पाकिस्तान को इतनी वैली नहीं, आर्मी इतनी वैली नहीं है कि वो दूसरे मुल्कों में जाकर लड़े, लेकिन पाकिस्तान साथ देती है इस्लामी ममालिक की। लबनान में हालात खराब हुए थे, पाकिस्तान फौरी गई थी। तुर्की में हालात खराब हुए थे, पाकिस्तान वो फौरी गई थी। पाकिस्तान इनका साथ देगी, लेकिन ये दूसरे जो है ना गैर मुस्लिम जिनकी जबान ही कुछ अलग है। सर ऑलमोस्ट बात ये है कि अगर आपके मजहब के लोग हैं तो वो आपका साथ देंगे, अगर कोई नहीं देगा। बड़ी मुश्किल सी बात है, इंडिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम है। और अब आप लोग देखिए पाकिस्तान किसका साथ देगा, चाइना का साथ देगा या इंडिया का। और हम ये बात जानते हैं कि चाइना में सबसे ज्यादा जुल्म मुसलमानों पे होता है। हाँ, मुसलमानों पे होता है क्योंकि उनको जिंदा मार दिया जाता है। तो यार पूरी दुनिया इतनी वैली नहीं है कि जंग इंडिया और चाइना की और लड़े पूरी। वो जो पीछे जंग हुई थी अमेरिका की और क्या मुल्क था, अमेरिका और नाम भूल गया, दोनों का नाम भूल गया यार, यूक्रेन और किसकी थी, फ्रांस की, रूस की थी यार, रूस वाला। तो क्या बना, मतलब कुछ भी नहीं बना, कोई मुल्क नहीं साथ लगा। हालांकि अमेरिका को बड़ा अंदर से वो चुभक पड़ रही थी कि जो है ना पाकिस्तान जो क्या है उसमें यूक्रेन जो है ना उसको तबाह किया जा रहा है, उसको लेकर रहे हैं इनकी जान के दराने अमेरिका पर निकाला गया, लेकिन अमेरिका आगे नहीं आया। अफगानिस्तान इंडिया के साथ है, अफगानिस्तान के खुद लाल बहुत खराब है, वहां तालिबानों ने कब्जा किया हुआ है। तो फिर ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।